नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। तो फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम हैं पठानकोट के माधोपुर में, तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं सामने। तो आज हम जा रहे हैं लेह की साइड सरचू सीमेंट लोड करके। तो अभी हमने खाना खुना खाया, ये चमन और ये सुनील। हाँ चमन, कहाँ जा रहे है? सरचू सरचू जा रहे हैं भाई। कोई भी जाए तो अपना काफ़ी सामान लेके जाए, उधर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और वैसे तो ठीक है, उधर बच्चे जा रहे हैं, अभी टूरिस्ट बहुत आ रहा है बाहर से भी, बहुत बढ़िया प्लेस है। तो मैं तो जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, चलो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा तो सब आपको दिखाएंगे। चमन की गाड़ी तेरी हो गई लग गई तेरी, और अब इसके बाद होगी अपनी गाड़ी लोड। तो अभी खाना वाना खाया, तो अब जो भी रहेगा तो बताइए आपको ले के सफर में। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्या क्या करें, बेल आइकन दबाएं। इंग्लिश आती नहीं है, थोड़ा इंग्लिश में बहुत वीक है हम। तो चलो जो भी रहेगा नेक्स्ट सफ़र, तो मिलते हैं फिर अगले प्रोसेस पे। तो गर्मी बहुत है जी, बाबू जी, तो गाड़ियाँ करवाते हैं लोड, फिर मिलते हैं उसके बाद। अभी गर्मी है लेकिन गर्मी में भी पियेंगे हम चाय। 73A 46 73। तो चलो मिलते हैं अगले स्टेप पे। चमन सिंह जी हमारे हो गए बीमार। के हो गया रे तमना, है जी दवाई का असर हो रहा है, काम देर से बना है। और ये जरूर जुड़न देवा चाहिए दूर, ये बैठे हैं ड्राइवर बेचारा। कार का घर लाई ना जाओ, क्यों चालू पाए वाली लोड भई गया तो सेट ही ला कर ही नाशा कर रहा है। सगों पचाल नहीं ज्यादा रखा वही क्यों जरूर है। तो ये है अपनी गाड़ी 36, ये है यहाँ पे डंप सीमेंट का, जहाँ से सीमेंट लोड होके जाएगा सरचू। ये चमन की हो रही है लोड गाड़ी, इसके बाद लगेगी अपनी। तो ये जाएगी जम्मू की और ये लेबर वाले। कुछ इस तरह से होती है लोडिंग। ये सारे ट्राले आए हैं सीमेंट लेके, इनसे पलटी होता है माल। तो यहाँ से लोड करवाते हैं, तो इसके बाद आएगा अपना नंबर। ये है अपनी बाट छत्ती, ये नरेंद्र बैठा है यहाँ पे अपनी गाड़ी पे, लगा स्टार्ट करके बाहर निकालने गाड़ी। ये है मेन रोड, यहाँ से आती गाड़ी, चमन की गाड़ी लगी लोड होने। तो जाएंगे हम सीमेंट भर के सरचू। नीजू का आया फोन, तो उठाते हैं फोन। तो ये जमी हुई है महफिल, चमन कुमार हो गया बीमार। यहाँ से हम जा रहे हैं, चमन को हो गई गर्मी, सुनील कुमार कर रहा है चमन की सेवा, पक्खा लगा रहा है हवा, और नीजू उस्ताद बैठा है इधर तमाशा देख रहा है। चलिए चलिए है वीडियो बिल्कुल, मले गड्डी करांदे सिरे ना, जल्दी जल्दी दो चार गड्डियां सही हो जांगी हां, तो उन्हें चलानी कोई नहीं दबा दो मेरे सकीम ले लो ना, जो उसका ड्राइवर वो ढोल बजा रहा है। ये है सुभाष उस्ताद जी। हां जी सुभाष उस्ताद जी, हां जी हां जी, क्या चल रहा है सर? हमारे चमन उस्ताद जी जरा थोड़े बीमार हो गए, क्या हो गया चमन? चल रहा है जरा। अच्छा अच्छा, दर्द
ये है हमारे घोड़े वाले उस्ताद जी, कोयला लोड करके आए हैं। ये है पीछे इनकी गाड़ी, काफी ड्राइवर यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो एक आधे घंटे में गाड़ियाँ हो जाएंगी लोड, तो उसके बाद निकलेंगे, तो फिर आगे की जो भी सिचुएशन होगी बताएंगे आपको। कुल्फी वाला आ रहा है कुल्फी लेके, चलो जो भी होगा आगे का सफर तो दिखा देंगे आपको। तो गाड़ियाँ गुड़ियाँ लोड करके अब हम गए थे नहाने के लिए, आ गए हैं नहा धो के। ये है शफी उस्ताद जी, तो नहा धो के आ गए हैं। ये हैं गाड़ियाँ लगी हुई, तो अब सफ़र स्टार्ट करेंगे यहाँ से, भगवान का नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर। तो अब आज दिखाएंगे आपको हम लेह का नज़ारा। तो ये इधर मनु उस्ताद और इसके साथ हो रहे, तो ये पीछे जैसे जाके हमने स्नान किया नहर में, ये छोटा सा प्लांट है। तो ये है गाड़ी, तो चलते हैं अब गाड़ी में। ये है चमड़ की गाड़ी, तो करते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर आगे के सफ़र में। ये है मनु मनकोटिया, चलो फिर चलते हैं आगे का सफर करते हैं शुरू। ये हमारे सुभाष उस्ताद जी, उस्ताद जी चश्मा लगाओ, चश्मा कहाँ डाला आपने? चलो ये देखें बंदे की बुड़क, चश्मा चुश्मा लगा के भाई, ठीक है रुकना मरवाते हैं। चलो ठीक है फिर मिलते हैं आगे के सफर में। अब सफर स्टार्ट, तो निकल पड़े हम पठानकोट से सरचू की ओर, ले बाया कुल्लू मनाली होते हुए जाएंगे। तो अभी हम निकले हैं, मलिकपुर पहुंचने वाले हैं। तो ये है पठानकोट मार्केट, मार्केट तो नहीं बोल सकते हैं, बाईपास। ये है जम्मू रोड से हमने किया है लोड, जिस रोड पे अभी हमें, ये है जम्मू रोड मलिकपुर चौक से सीधा जो आगे की ओर जाता है जम्मू रोड, उस रोड से हमने सीमेंट लोड किया है यहाँ से मलिकपुर से 6 या 7 किलोमीटर आगे जाके। तो शाम के बज चुके हैं 7, तो 7 बजे हमने अपनी जर्नी कर दी स्टार्ट। तो देखते हैं आगे, अब चलते हैं क्या, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम मनाली तक, गए मनाली के आगे का सफ़र फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, तो सब कुछ बताएंगे आपको। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर कमेंट ज़रूर करें, आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो बाकी चलो फिर फ्रेंड्स, आज कराते हैं आपको लेह सरचू का सफ़र। जर्नी अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो ये चल पड़े हैं सुनील कुमार जी, तो हम बैठे हैं इनके कंडक्टर सीट पे। तो निलसरा माता का नाम लेके हमने अपनी जर्नी कर दी स्टार्ट। आज कुछ माता की कृपा से गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई पठानकोट में, कम ही थी गर्मी। पठानकोट तो आगे दिखाया ही है आपको दूसरी वीडियो में भी, तो चलो आगे का आप दिखाएंगे आपको, नया नया जो भी होगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ढाबे पे रुके थे खाना खाने, खाना खा के अब चलने की तैयारी। तो यहाँ पे खाया खाना, चमन को पड़ गई सुस्ती, उठ जा दोस्त अभी ले बड़ा दूर है वो दोस्ता। तू कानूस हो गया यार उस्ताद, की हो गया तेन है यार, की हो गया सरपंच? अकेला हो गया, अकेला हो गया। ला यार नीजी सुई ला इन। नहीं पूरे सेट यहाँ से हम उठाएंगे, अब आप अपनी कैपेसिटी देख लो कहाँ रोक पाएंगे।
मंडी चाहे कुल्लू चाहे आप ले जाओ जहाँ मर्जी जहाँ तक आपकी कैपेसिटी हमें सिंगल रोड है ना जो पास ही सिंगल हो चाहे हो डबल बाबे गेम लोगों है भाई साहब इधर देख रहे हैं इन लड़कों की बातें सुन रहे हैं मूर्ख प्राणी तो ये लगी हैं गाड़ियां तो चलो फिर चलते हैं आगे की ओर। टाइम बज चुका है रात के 10:30 तो रात को अब कुछ दिखा तो पाएंगे नहीं सीनरी तो कोई नज़र आएगी नहीं लेकिन फिर भी जहां जैसे जो भी होगा रुकेंगे। ये है फौजी ढाबा पे रुके थे हम तो यहाँ साथ में है कहीं शादी तो बजा है डीजे तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं। तो ये अभी हम पहुंचे हैं नगरोटा पकवा किया है क्रॉस एक छोटे से गांव में गांव का नाम पता नहीं तो रात के बज चुके हैं 1:30 सफर है कंटिन्यू। बज चुके हैं 2 और हम पहुंच चुके हैं पालमपुर। ये है पालमपुर की सिटी लोग अपने घरों में सोए हैं आराम से और हम चले हैं सड़क पे। ये जिंदगी होती है एक गाड़ी वाले की जो सैनिकों की तरह रात दिन लड़के लोगों का जो है गई बस तो यहाँ पास देना हो गया थोड़ा मुश्किल। ये बस वाले भाई साहब ने भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर दबा लिए गाड़ी। चलो देखते हैं हम भी निकालते हैं गाड़ी। केलांग मंडी धर्मशाला बस आई है ये। चल चल आन दे जान दे अगे उस्ताद साले नू बोल चल 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 आन दे मेरे साइड आन दे निकल जी निकल जी है ये है पालमपुर शहर पालमपुर है। पालमपुर का बाद KFC शाने हिमाचल लहंगा हाउस यह है पालमपुर शाखा बैंक की। तो इस तरह का सफ़र तो मैं बोल रहा था कि रात को ड्राइवर जाग के जो है लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें पहुंचाते हैं तो हमारा काम भी किसी फौजी से कम नहीं। चले हैं लोग सोए हैं आराम से और हम चले हैं रात को क्या करें हमारा काम ही कुछ ऐसा है गाड़ी वालों का। यह है बहुत ही कंजेस्टेड सी रोड दिन में बहुत ही जाम लगता है यहाँ पे लेकिन दिन में थोड़ा बाईपास से होके निकलते हैं। यह है पालमपुर का बाजार तो यहाँ से आगे चलते हैं बैलनाथ से जाएंगे मंडी की ओर। हमारी 6 गाड़ियां चली हुई हैं 7 सरचू के लिए। ग्रिफ का सीमेंट लोड किया हुआ है हम लोगों ने तो चले हैं आगे से आगे का तो रुक जा रहे भाई रुक जा नहीं रुका आ गया कार वाला भी
लेकिन चलो ज़्यादा कुछ हो गया पास। भूल गया था चमन, अब लगा मुड़ने, हमने जाना था नीचे लेकिन चमन चला गया आगे, वहाँ से मुड़ के ले आ रहा है गाड़ी। तो ये देखिए कितनी ही टाइट, बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट है ये। इससे तो बेटर बाईपास है यार, बाईपास आते तो ठीक रहना था नीचे से, है ना, बस स्टैंड से नीचे उतर जाना था ना वो बाईपास। चलो ठीक है, ये आ गया चाटी से, बस स्टैंड कहते तो निकलना था परे इतने जिधरों कार गई परे नु हूँ सवेरे आना जी दिन आना पर जाना बाईपास है। चल 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 आन दो तो है ये है अपनी गाड़ी। चलो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट। पहुंच चुके हैं बैद्यनाथ मार्केट, टाइम बज चुके हैं 4:15, सफर कंटिन्यू। ये है बैजनाथ की मार्केट, तो यहाँ पे भी काफ़ी रश रहता है इस पॉइंट में, बहुत ही जाम लगा रहता है। अभी रात के टाइम में सभी सोए हुए हैं, रात तो क्या अब सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बैजनाथ में। कुछ इस तरह से है ये बैजनाथ की मार्केट, अभी मार्केट पूरी तरह से बंद है, सुबह खुलेगी ये मार्केट में जो भी होती है सारी ही सुबह खुलती हैं। तो ये है बैजनाथ मंदिर पर शिव मंदिर परिसर बैजनाथ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में लिखा हुआ है। ये है भोलेनाथ जी का मंदिर इधर, तो पीछे अपने शफी भाई वाली गाड़ी चली है, KS ठाकुर, उसके पीछे महबूब, और रास्ता ये है ये है नरेन जी चले हुए आगे 1677, बहुत ही रगड़े से आए थे लेकिन यहाँ पे कुछ स्लो हो गए हैं, अब इससे पास ले लेंगे हम बिल्कुल रगड़े के साथ। वो रख रगड़ा ये है नरेन भाया नरेन, लगभग क्रॉस कर चुके हम बैजनाथ, अब आपको मिलेंगे हम जोगिंद्र नगर और मंडी के शहर में, तब तक शायद सुबह भी हो जाएगी। चलिए आराम आराम से गाड़ियाँ, स्वर्लिन भट्टू हम गए थे, स्वर्लिन भट्टू तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है बैजनाथ की मार्केट। चलो फिर मिलते हैं आगे। ये पहुंच चुके हैं जोगिंद्र नगर मार्केट, तो टाइम बज चुके हैं अभी सुबह के 4, चले हैं कंटिन्यू। अब यहाँ
यहाँ से आगे जाके मंडी में मिलते हैं फिर आपसे। तो अभी रुके हैं पानी पीने के लिए, ये है गाड़ी अपनी और बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं पीछे। तो ये ब्लॉग हो गया कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो सुबह के बज चुके हैं 4, तो अभी हम पहुँच चुके हैं गुम्मा। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अब एक दूसरे ब्लॉग में, इसी सफ़र का दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा यहाँ तक ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी और गुड मॉर्निंग। ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ एक साथ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अब यहाँ से आगे का जो सफर शुरू होगा उस ब्लॉग में।